दोस्तों नमस्कार। आज आपको दिखा रहे हैं हम अलवर संग्रहालय और ये उस टाइम के बने राजप्रसाद, बहुत ही भव्य, बहुत शानदार ये यहाँ के राजाओं के द्वारा निर्मित खूबसूरत ये महल। और यहाँ से सीढ़ियाँ निकल करके ऊपर संग्रहालय तक जाती हैं। बहुत ही भव्य महल, आजकल इनको बनाना कल्पना से लगभग परे है। ये यहाँ सुंदर फाउंटेन फवारा लगा हुआ है और यहाँ पार्किंग की व्यवस्था की हुई है फिलहाल। और यहाँ से ऊपर की तरफ जैसे ही प्रस्थान करेंगे तो आगे गैलरी से गुजरते हुए संग्रहालय तक का रास्ता ये इसका प्रांगण है। अब हम पहुंच गए हैं संग्रहालय टिकट विंडो पर और यहां से हम टिकट लेंगे। टिकट की कीमत 25 रुपये पर पर्सन है यहां पे। और उसके बाद टिकट चेक करवाने के बाद हम पहुंचे हैं, ये कुछ कलात्मक वस्तुएं हैं, सुराही, हुक्का, हाथी दांत से बने हुए कलात्मक ये मूर्तियां और ये राजा की रॉयल साइकिल, ये कुछ मूर्तियां हैं और ये हाथी दांत से निर्मित कलात्मक वस्तुएं, कुछ पुराने लिखे हुए अरबी या उर्दू में। और ये यहाँ जो अलवर में पाए जाने वाले कुछ बर्ड्स जिनका उस टाइम राजा द्वारा शिकार किया गया था, अब इनको यहाँ पर प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत ये बर्ड्स, आज भी ये सरिस्का टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ पक्षी बाहर के भी हैं। एक टाइगर है जिसका शिकार महाराजा द्वारा उस टाइम किया गया था और इसको भी यहाँ खूबसूरत तरीके से, ये लेफर्ड और एक मोती रींच है, ये राजा का प्रिय रींच हुआ करता था। ये सांबर डियर जो अलवर का वर्तमान में जिला पशु है। ये उल्का पिंड आप देख रहे हैं, ये अलवर के बांसूर क्षेत्र में अंतरिक्ष से गिरा था। और ये इंद्र का वियान और ये अलवर के राजप्रसाद को एक ये सरिस्का पैलेस और ये यहाँ के अलवर के राजाओं के चित्र, बहुत खूबसूरत ये नज़ारा, शानदार विजिट भाई साहब। ये उस टाइम के महाराजा द्वारा युद्ध में काम में ली जाने वाले हथियार और सुरक्षा के लिए संसाधन हुआ करते थे, भाले और इस तलवारों से बचने के लिए, और ये कवच सैनिक को पूरा कवर किया हुआ। ये राजा का सिंहासन, अलवर महाराजा का सिंहासन है ये। और ये अलग अलग प्रकार के हथियार, ये सैनिकों के कवच हुआ करते थे, राजा महाराजाओं के कवच। म्यूजियम को बहुत ही सुसज्जित ढंग से सजाया हुआ है, एक एक चीज को बारीकी से प्रदर्शित किया हुआ है और दिखने में विजिबिलिटी बहुत शानदार यहाँ की। और यहाँ पंखे वगैरह भी
बहुत शानदार लगाए हुए हैं ताकि आगंतुकों को यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत सहन ना करनी पड़े। और एक दूसरी तरह का कवच जिसमें तलवार या भालों का पेसर, ये राजा का सिंहासन और ये अलग अलग प्रकार की गन्स यहाँ पर रखी हुई है, छोटी बड़ी हर प्रकार की। यहाँ कुछ टूरिस्ट घूम रहे हैं। एक दूसरी तरह का एक कवच और यहाँ कुछ छोटी तोपें रखी हुई हैं। बहुत ही शानदार है अलवर का संग्रहालय। इसमें कुछ पहले अलग प्रकार की चित्र